कहा जाता है शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और इससे बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया जा सकता है। लेकिन इन महाशय का मानना है कि डिग्री विग्री बेकार की बातें हैं। इनके इस बयान से इनको हल्के मत लीजिए। दरअसल ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री हैं। सही सुना आपने, शिक्षा मंत्री हैं जनाब, और किसी छोटी मोटी सरकार की नहीं बल्कि आतंकियों की सरकार तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। इनका नाम है शेख मौलवी मिरुल्लाह मुनीर। इनका कहना है कि आज के वक्त में पीएचडी या किसी दूसरी मास्टर डिग्री का कोई फायदा नहीं। मुनीर ने कहा कि हम लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हम सरकार चला रहे हैं। ऐसे में आज के समय में किसी तरह की पीएचडी या मास्टर्स की जरूरत नहीं। कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच पर्दा। ऐसे में अगर शिक्षा मंत्री से कोई पूछे कि अकल बड़ी या भैंस, तो मंत्री जी का सीधा जवाब होगा भैंस। अब अगर मंत्री ऐसे होंगे तो आवाम को क्या शिक्षा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तालिबान की सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव करने शुरू कर दिए थे। कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच में पर्दा डाल दिया गया। कई जगहों पर लड़कियों और महिलाओं को सिर्फ बुजुर्ग या महिलाएं ही पढ़ा रही हैं। इसके अलावा तालिबान उन निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर नकेल कसना शुरू कर चुका है जिसने 2001 में तालिबान के शासन के खत्म होने के बाद आधुनिक शिक्षा पर बल दिया था। गृहमंत्री पर 36 करोड़ का इनाम। आतंकियों की सरकार है तो गृहमंत्री भी दमदार आतंकी ही होना चाहिए। ऐसे में तालिबान सरकार का गृहमंत्री कोई छोटा मोटा आतंकी कैसे हो सकता था। तो तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना गृहमंत्री बनाया है। सिराजुद्दीन कितना खतरनाक आतंकी है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका ने इस पर 50 लाख डॉलर यानी भारतीय करेंसी की बात करें तो तकरीबन 37 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। हक्कानी भारत को भी दे चुका है जख्म। हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी और उसके पिता ने साल 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास को अपना निशाना बनाया जिसमें 58 लोगों की जान गई थी। 2011 में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहे जनरल माइक मुलेन ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दाहिना हाथ और एजेंट बताया था। सिराजुद्दीन के दिमाग की उपज, फिदायिनी हमले। 2001 में सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का चीफ बना। इसी सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफगानिस्तान में फिदायिनी हमले शुरू किए। वैसे फिदायिन हमले का इतिहास काफी पुराना है। श्रीलंका में सिविल वॉर के वक्त इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन अफगान में ये सिराजुद्दीन की देन था जिसके कारण अब तक अफगानिस्तान में हजारों बेकसूरों की मौत हो चुकी है। सिराजुद्दीन ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश रची। इन्हीं हमलों के तहत रची गई लेकिन ये नाकाम रही थी। जानकार बताते हैं कि हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक और सिराजुद्दीन का पिता जलालुद्दीन हक्कानी 2013 या 2015 के बीच मारा गया था। चलिए आपको बताते हैं कि हक्कानी नेटवर्क आखिर क्या है। दरअसल 1980 के आसपास सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अमेरिका ने इसे अपनी तोहीन समझा और पाकिस्तान के साथ मिलकर स्थानीय कबीलों को हथियार और पैसा दिया। इनमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल था। इसके बाद तालिबान बना और अमेरिका ने इन गुटों से दूरी बनानी शुरू कर दी लेकिन पाकिस्तान इन्हें पालता पोसता रहा और अमेरिका की दूर हटने के बाद आईएसआई ने हक्कानी का इस्तेमाल अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों के खिलाफ शुरू कर दिया। ये एजेंसी पैसे भी लेती है और हमले भी कराती है। अमेरिका की नाकामी ही कही जाएगी कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालकर हक्कानी नेटवर्क को खत्म नहीं कर सका। तालिबान हक्कानी कितने करीब, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क कितने पास हैं। दरअसल बहुत कम लोगों को पता है कि तालिबान किसी एक संगठन का नाम नहीं, इसमें कई गुट, कई कबीले और कई धड़े हैं और हक्कानी नेटवर्क भी इनमें से एक है। अफगान तालिबान अलग है और पाकिस्तान तालिबान अलग, लेकिन इन सब के बीच एक चीज कॉमन है कि ये सभी कट्टरपंथी और आतंकी संगठन हैं जो शरीयत के हिसाब से हुकूमत चलाना चाहते हैं। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को बैन किया है। 2012 में अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को बैन कर दिया था
लेकिन आज वो सत्ता में है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क अपनी सुविधा के हिसाब से एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान को सत्ता में आने के लिए हक्कानी नेटवर्क ने दिलोजान से मदद की, जिसका नतीजा हम सभी के सामने है। हक्कानी सरगना अब अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क एक होकर भी अलग हैं और अलग होकर भी एक हैं। 2014 में पाकिस्तान के पेशावर स्कूल पर हक्कानी ने हमला किया था, जिसमें 200 बच्चे मारे गए थे। 2017 में काबुल में हमला किया, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। बहरहाल जब ऐसे लोगों के हाथ में देश की कमान है तो अफगान का भविष्य क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, और फिर आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।